ये वीडियो भी लंबा हो गया, मेरे ख्याल में चलें आगे, मेरे ख्याल यहाँ तक चलो। रूल सिक्स है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी टू रिकॉल मिसिंग इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एमसीक्यू रीड करते हो और आपको उसका एक डिस्ट्रक्टर सता रहा है कि यार इसके बारे में पढ़ा था, ये ऐसे है कि ऐसे है। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड वेरिएशन, स्टैंडर्ड वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये टी टेस्ट में चाहिए कि ये जेड टेस्ट में चाहिए, पॉपुलेशन का ये मैंने पढ़ा है, इसमें डिफरेंस पढ़ा था, तो आपको याद नहीं आ रही, अब आप याद कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यार मैं कहाँ पढ़ा था, ये मैंने अपने पिछले जो रूम है उसमें पढ़ा था, और वहाँ मैंने हाँ ये फाइल खोली थी, हाँ एक बुक थी ये वाली बुक, हाँ बुक में, हाँ बुक में, और वहाँ साथ में प्लस में नेट से इंफॉर्मेशन करके टी और जेड को कंपेरिजन किया, हाँ जेड टेस्ट पर पॉपुलेशन का वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, टी में नहीं चाहिए। तो अब मैं क्या किया कि मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, मैं उस कॉन्टेक्स्ट, उस सिचुएशन जहां पर मैंने मेमोरी को यहां जाते हैं, यहां प्लस करते हैं, ये रहे आप और ये रही आपकी मेमोरी, ठीक है, ये आपकी होगी नॉलेज इंफॉर्मेशन, जहां आपने अपने अंदर इंफॉर्मेशन डाली थी, ठीक। अब क्या करना है, इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना है, रिट्राइव करना है। थ्योरी साइकोलॉजी क्या कहती है कि जिस सिचुएशन में या कॉन्टेक्स्ट में आपने नॉलेज को अंदर डाला था अपने, अगर उस सिचुएशन में जाते हो, अगर तो फिजिकली गए तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन आप एग्जाम में हो, एमसीक्यू टेस्ट में बैठे हो, स्क्रीन के सामने बैठे हो, आप इमेजिनेशन में गए हो, इमेजिनेशन में भी साइकोलॉजी कहती है कि ये हेल्प करती है, और वहां जो इंफॉर्मेशन थी आपकी एकदम बाहर आ गई। याद रखो, जब प्रेपरेशन के लिए मैं क्यों बताता हूं कि आप जब तैयारी कर रहे हो, अपने माइक्रो नोट्स तैयार कर रहे हो, आप कोशिश करो कि एक सब्जेक्ट के लिए, एक यूनिट के लिए एक डिफरेंट कॉपी, उसका साइज डिफरेंट हो और उसका कलर, पेन का कलर भी डिफरेंट हो, दूसरी का डिफरेंट हो, शेप डिफरेंट हो, कोई लूज पर की है, तो आपकी मेमोरी वो ये डिफरेंस आपके लिए हेल्प करेगा कि मैं कहां से मैंने इंफॉर्मेशन लानी है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट, ये सारे फैक्टर जो हैं, कॉन्टेक्स्ट इसको बोलते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में जाना है, थोड़ा याद करना है, वो इंफॉर्मेशन जल्दी रिकॉल हो जाएगी। याद रखना है, कोई भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन टाइम ज्यादा ले रहा है तो उसको छोड़ के आगे चले जाना है, आगे जाके ये भी बताऊंगा, फिर अपने आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करता रहता है, ठीक। लॉन्ग टर्म मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती रहती है, वो आपका अलग माइंड काम कर रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी आपको रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन जो मिस है, याद नहीं आ रही, उसको करने में हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल, प्लेस आपका कहाँ, जैसे मैंने कहा पिछले रूम में यार मैंने किया था, अच्छा मैंने वे कौन सा लर्न किया, मैंने लिख के किया था, हाँ मैं साथ में लिखा भी था मैंने, अच्छा सोर्स ऑफ लर्निंग एक बुक थी और एक नेट से, दोनों से कंपेयर किया था, अच्छा ऐसे नोटबुक हो सकता, पेन का कलर हो सकता है, किसी से डिस्कशन तो नहीं की थी यार, मैंने वो यूजीसी वाला जो दूसरा मेरा साथी है उससे डिस्कशन की थी, मैंने टीचर से डिस्कशन की थी, मैंने यूट्यूब का चैनल देखा था, मैं किस कॉर्नर पेज किस जगह पर मैंने लिखा था, ये तो ये सारा अगर है तो आपको इंफॉर्मेशन रिकॉल जल्दी हो जाती है या रिट्राइव जल्दी हो जाती है, तो आपका टाइम और एनर्जी बचती है। तो पर ये बात याद रखनी है, ज्यादा टाइम लगता है तो आपको आगे बढ़ जाना है। कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मेमोरी एनकोडिंग एंड रिट्राइवल टू एनहांस मेमोरी सराउंडिंग्स योरसेल्फ विद रिट्राइवल। ओके, ये थ्योरी है, ऑलरेडी बता चुका हूं।